भंडारकों का दमन हो गया। अब आते हैं यहां, मैन यही है बस बात। जयचंद का एक छोरी पुत्री थी, लड़की थी, उसका नाम था ये भारत की एक तरीके से दुर्दशा ही थी ये संयोगिता। देखो क्या हुआ, इसकी वजह से ये मान लो यहां सब कुछ हुआ, मुस्लिम सत्ता इसी की वजह से आई। संयोगिता एक बार गई डी नांदेड़, इनको नांदेड़ो गठाओ और इंगो भी नांदेड़ो गठाओ, पृथ्वीराज भी दिल्ली आईडी और संयोगिता भी दिल्ली आईडी, तो अभी नांदेड़ टाबर ने नहीं भेजना चाहिए कल का इंग बाद में लोग नांदेड़ भेजना, नांदेड़ टाबर बिगड़ जाए। बट पृथ्वीराज और संयोगिता के बीच में प्रेम संबंध हो गया, यानी आपस में मोबाइल को आदान प्रदान हो गया, पर्ची पर्ची को फेंकी, संयोगिता ले ली, नमरा फोन फान बात चाले, ई बात को पतो चालियो और संयोगिता ले आयो, ओ भी आ गयो। ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, मैं बच भी जाता लेकिन एक रोज तो मरने वाला था, मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। अभी पृथ्वीराज जी पाछा आ गया आपको समूह लेके, अब ठीक है तक बात कोई बात को नहीं बिछड़ गया, लेकिन इसने क्या किया, पृथ्वीराज की बेइज्जती करने के लिए संयोगिता का रख दिया स्वयंवर का अर्थ होता है मतलब खुद ही पति चुनती है, और स्वयंवर में क्या किया, जयचंद सारे राजाओं को बुला लिया, कोई बात नहीं बुला लिया, लेकिन किसको नहीं बुलाया, अट तक ही ठीक है कोई बात नहीं, कौन बुलायो कौन बुलायो। अब क्या करियो, जट्ठे चंपल खोल लेकर नहीं राजा, बठन पृथ्वीराज की एक मूर्ति बना के खड़ी कर दी है? चलो आई ठीक है कोई बात को नहीं। अब संयोगिता आई, सगड़ा राजा बैठा, बन छोड़ गए, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे। अब भाई संयोगिता माड़ा किंग गाल दी, अब भाई राजा एडा वे बिचर गया, बोले तेरे छोरी हो टांको गड़ी नाक पीटो मन बुलाए, तेरे तरीको थोड़ी हो कोई, वह राजा बिचर गया चला गया। अन जयचंद के करियो, इस संयोगिता ने कमरे में बंद कर दी, ई बात को पतो चालियो पृथ्वीराज चौहान है। अब देखो भी अब आनो ही पड़ेगो, ये कुछ सेना लेके आया था यहां से, इसका मित्र था ये चंद्रवरदा, इसने मना भी किया था बहुत कि जयचंद बहुत शक्तिशाली शासक है इसके साथ पंगा मत लो, लेकिन ये नहीं माना, प्रेमी हो ये आया, आके यहां लड़ाई भी हुई थी इनकी, और ये संयोगिता को उठा के मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, जालिम है सितमगर है वो, प्यार का दुश्मन बनने नहीं देगा मुझको तेरी दुल्हन, जाऊंगा तुझे लेके मैं दूर शहर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप। अब भाई संयोगिता ने लिया या उठा के कौन, पृथ्वीराज जी। अब देखो जयचंद इससे नाराज होगा कि नहीं, इनने दुश्मनी ले ली, परमरदी देवन दुश्मनी ले ली, जयचंद दुश्मनी ले ली, अच्छा वीर था, लेकिन इसने चारों ओर दुश्मन पैदा कर लिए, और यहां कौन बचा है अब, भीमदेव। इससे कोई विशेष बात नहीं है, एग्जाम में इतना ही पूछा था पृथ्वीराज के समय गुजरात का शासक कौन था, देखो भीमदेव के साथ कैसे दुश्मनी, एक तो बात इसके बाप को मारा था, कल बताया था सोमेश्वर को इसी ने तो मारा था, दुश्मनी थी। नंबर दो बात, यहां अबू की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंछिनी, इंछिनी ब्याह कराने की इच्छा ही भीमदेव की, लेकिन इंगी इच्छा ही इंगी इच्छा किंग सा गई, हाँ यानी अब क्यों हो, पृथ्वीराज इन लियायो और शादी कर ली, इस बात पर नाराज हो गयो भीमदेव। कुछ तो ये कहते हैं कि इसने लड़ाई हुई थी मार दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भीमदेव अपनी मौत ही मरा था, लेकिन इनके बीच में ये मान लो दुश्मनी थी। अब बात होगी अब तो खत्म, इतनी ध्यान रखनी बस दिमाग में रखो, पृथ्वीराज इन भंडारण को बिंग बाद में महोबा हो गया, परमरदी देव चंदेल, फिर जयचंद गैडवाल और ये भीमदेव, मिटा दो खत्म इतनी स्टोरी। अब सबसे मेन स्टोरी पढ़ते हैं, पृथ्वीराज बहुत मोस्ट है,
सबसे मोस्ट है पृथ्वीराज। कौन हो गया? पृथ्वीराज चौहान या तरते, ठीक है। इसका दरबारी क्या लिखा था? पृथ्वीराज रस, ठीक है। अब देखो यहां पड़ता है, ये भारत हो गया, इधर भारत के इधर इधर यहां पड़ता है एक जगह जिसका नाम है गजनी। गजनी का एक शासक बना था जिसका नाम था, देखो नाम तो इनको शहाबुद्दीन गोरी हो, मोहम्मद गोरी कह दे, शहाबुद्दीन गोरी कह दे, लेकिन आनंद आवे गोरी नाम बोलने में। शासक कौन हो? गोरी। तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके। कौन हो शासक? नाम भी देख कितना आनंद, गोरी। गजनी को कौन हो? गोरी। गठे को गजनी को। ये चला यहां से, यहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, और पंजाब से यहां एक जगह है बटिंडो। देखे शोक हुए अन के करो, गजनी आगे बटिंडा पर कब्जो कर लियो। बटिंडा